लगता है इस घर के जवाई को कुछ ज्यादा ही बड़ी बीमारी है फालतू बोलने की। आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। अभी अभी मैंने राज को करण से कहते हुए सुना कि आपकी कुड़ी स्वयंवर के लायक ही नहीं है। क्या? हाँ सच। वैसे तो ये बात मुझे बतानी नहीं चाहिए, लेकिन आप यहाँ मेरे कहने पर ही आए हो ना, इसलिए मुझसे चुप नहीं रहा गया। वैसे परम और करण अपने जीजे की बात बहुत सुनते हैं। आपको किसने हक दिया मेरी बेटी के बारे में इस तरह बकवास करने की, परम और करण के कान भरने की? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल जी? एक्सक्यूज मी अंकल, राज ने कुछ भी नहीं कहा। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। बेटी का बाप हूं मैं, हर एक बात की खबर रखता हूं। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुसी गलत कह रहे हो वीर जी। आज अगर हम सब लोग यहाँ खड़े हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ राजपुत्र की वजह से। ये बात तो हमने भी सुनी है। इसी राजवीर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर कई जिंदगियां बचाई हैं। मेरा राज कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। गिल परिवार का मान है राजपुत्र। शहर में थोड़ा रेस्ट करने जा रहा हूँ। जी कुड़ियों चलो जी चलो, फोटो शोटो लेते हैं। ना सोना डेकोरेशन हुआ है जी। वाओ, वी ऑल आर लुकिंग सो प्रिटी, लेट्स टेक अ सेल्फी। हां मैं आने रही। ये तो मेरा नेकलेस है, मेरे पर दादी की निशानी तुम्हारे पास कैसे आया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नेकलेस चुराने की? मैंने कोई चोरी नहीं की। अगर तुमने चोरी नहीं की तो तुम्हारे पर्स में मेरा नेकलेस कैसे आया? मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये नेकलेस मेरे पर्स में कैसे आया। झूठ। एक्सक्यूज मी, आपको पता है कितना बड़ा बिजनेस संभालती है नेहा? 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है इसकी कंपनी का। ये आपका नेकलेस चुराई गई। जवाब दो हरलीन जी, वो कुड़ी 100 करोड़ का बिजनेस संभालती है, आपके 5-6 लाख का नेकलेस क्यों चुराएगी? 5-6 लाख का नहीं है, 1 करोड़ का। 1 करोड़ का? और क्या बताइए, क्लेप्टोमनियाक हो? क्लेप्टोमनी? अब ये कौन सी वॉशिंग मशीन का नाम है जी? आंटी जी, ये बीमारी होंगी, चोरी करेंगी। क्लेप्टोमनियाक वॉशिंग मशीन नहीं। मैंने कहा ना, मैंने नेकलेस नहीं चुराया है। पकड़े जाने पर ना हर चोर यही बोलता है। रॉबी कॉल द पुलिस। बुआ जी, पुलिस को मत बुलाइए। गलती करने वाले से ज्यादा माफ करने वाला बड़ा होता है। आप प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। बुआ, एक बार नेहा की तरफ देखो तो सही। मुझे नहीं लगता कि नेहा आपका हाथ चुरा सकती है। अगर इसने नहीं चुराया तो इसे बोलो प्रूव करके दिखाए। है कोई सबूत? है कोई गवाह इसके पास? वाह, जस्ट बिकॉज कोई सबूत नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं ना कि चोरी नेहा नहीं की है। ये नेकलेस इसके बैग में से कैसे आया? वाह, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने नेहा के बैग में ये नेकलेस रख दिया हो। जिन्नी तेरी उम्र है ना, उस तो ज्यादा मेरा तजुर्बा है। समझ आई? तो मिन्नू ना समझा, नेहा इज आउट ऑफ दिस स्वैम्पर। मैं कोई चोर गिल खानदान की बहू नहीं बना। हमें भी नहीं जोड़ना रिश्ता आपके परिवार के साथ, और यहाँ पर बुलाकर हमारी बेइज्जती करने के लिए धन्यवाद। चलो नेहा। नेहा अंकल जी, एक बार देखा पर रॉयल फैमिली, रॉयल ब्लड, रॉयल ही होता है। देविका इज परफेक्ट फॉर यू। आई
नो एवरीबडी कि आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर जस्ट बिकॉज जिंदगी में कुछ बुरा हो जाए उससे जिंदगी तो नहीं रुकती ना। द शो मस्ट ऑलवेज गो ऑन, इसलिए आज का ये स्विमर भी नहीं रुकेगा। सो गाइस, बात करते हैं हमारे अगले राउंड की। नानी, आप वो डायलॉग सुनाओ ना सबको। वही वाला। ओ, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हुई ना गल। सो लेडीज, अब मैं आप सबको बताऊंगी आपके अगले राउंड के बारे में, जो कि कल होगा। आपको मेरे दोनों भाइयों को इम्प्रेस करना होगा, एंड जो विनर होगा उसे मेरे दोनों भाई लेके जाएंगे एक डेट पे। सो प्लीज हैव योर सीट्स। आप लोग लंच के बाद होटल जाके रेस्ट कर सकते हैं। अभी भी है मैं। चलो सर, एक काम करते हैं, हम जाके देखते हैं कि राज की तबीयत कैसी है। नानी, जैसे तैसे ये तो संभाल लिया, लेकिन पर्पल दाने ढूंढने के लिए हमारे पास सिर्फ आज रात का टाइम है। वो तो फिक्र ना कर, और मैं रात को किसी को सोने नहीं देना। हो जाना है सब ठीक, बस मेरा राज ठीक हो जाए। जरूर ठीक होएगा कुड़िये, वाहेगुरु जी है ना। जो चल रहा है ना वही चला। नहीं बंतो रानी, तू सिर्फ मेरी गल सुन। हुकम करो जी। बंतो जी, और तुसी चुप हो जाओ। ओके जी, मैं दूध लेके आनी हूं। आलो जी, गर्मा गर्म खसखस वाला दूध। लो जी लो। प्लीज, मेरे को तो कॉफी चाहिए यार। गिन्नी, मुझे भी पिला दे यार। एक बात कान खोल के सुनो, वो जो पहले सोया सवेर दा नाश्ता वो ही बनाएगा। नहीं, मेरे को कॉफी चाहिए, मैं नहीं पीना। वैसे अगली सर्दियों में परम और करण वो उनकी वोटियां हमारे साथ बैठी होंगी, कितना मजा आएगा। नहीं आहो मम्मी जी, फिर हम करण और परम की वोटियों पे हुक्म चलाएंगे। तू चाय लेके आ, तू खाना लेके आ, है ना मम्मी जी। अच्छा, ओ मंजीत, बर्तन भंडार ओ खाली पुलाव बाद में पकाना, पहले ढूंढ पर्पल दाना। किनी मामी, आप प्लीज थोड़ी देर जाकर सो जाओ। नहीं नहीं सहर, मैं सवेरे ना प्रभात फेरी ते भी जाना, तो मैं हुने सोना नहीं है। पर हाँ, जो एक ब्लैक कॉफी मिल जाती तो। हाँ, ओ मेम साहब के लिए ब्लैक कॉफी लेके आ। ब्लैक कॉफी मिल जाती तो चुपचाप दाने छील। बट सीरियसली गाइस, मैं आप सबके लिए ब्लैक कॉफी बना के लाती हूँ। ओके? नहीं नहीं सर, सर तुम बैठो, मैं सबके लिए कॉफी बनाता हूँ। मैं आता हूँ। उस माल की जाए पुत्र। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, आ गई है गर्मा गर्म कॉफी।
नानी इसमें कोई पर्पल बीज निकला क्या? ओ पुत्र जी ओ मिला तो नहीं लेकिन तू फिक्र ना कर ओ हिम्मत ते कोशिश कदी छड़नी नहीं चाहिए एक बारी सारे मिलके बोल बोले सोनिया सत श्री अकाल वाहेगुरु सब ठीक कर देगा मिल गया हाँ मिल गया ओ देख दिखाओ जल्दी कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है सॉरी सर वो शायद ना नींद की वजह से मुझे नहीं मिला क्या कितनी चली है पुत्र नानी आप सब बैठो मैं सर को देख गया नहीं राज नहीं नहीं आप सब बैठो प्लीज शर्म नाम की चीज है तुम्हें जो मेरे चूचू तुम रब्बे को तंग कर रहे हो तो व्हाट डिड तुम मैम राज तो पहले ही पर्पल सीट नहीं मिल रहा ऊपर से तुम ऐसे मजाक कर रहे हो लो कर लो बात सर डांटना तो तुम्हें इन्हें चाहिए बताओ इतनी सर्दी में मेरी वोटी को रजाई के बाहर निकाला हुआ है और खुद ये पर्पल दाने बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे ओए चुपचाप बाहर आ जाओ वरना नाम पता है ना मेरा गब्बर झल्ले झल्ली चले पर्पल दाना ढूंढना चलो पिंड सुनीदा पिंड सुनीदा माने एक 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 करके सात होंगे ताने जो भी सुत्ता ओनू पहने बड़े जोर दी लत छेती 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 लंबो तदे दाने होंगे अठ पिंडा विचो पिंड सुनीदा जाला सब तो चला सब तो बुद्धू मेरा बस घर वाला पिंडा विच्चो पिंड सुनीदा खारी मैं भावे खोता पर मेरी खोती बड़ी प्यारी पिंडा विच्चो पिंड सुनीदा मोगा ना मेरी शहर जैसा कोई है ना कभी कोई होगा पिंडा विच्चो पिंड सुनीदा सान सब तो सोना सब तो प्यारा है मेरा सरदार क्या बात है राज जो तुम बोल रही हो ना खुशी मैं बिल्कुल नहीं करूंगी मॉम प्लीज आपने अभी तक एक बार भी दिलजीत से बात नहीं की है और मैं करूंगी भी नहीं मॉम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आप नानी हो उसकी ही मिसेज इज नानी बस एक बार बात कर लीजिए उससे पता है आपको वो रोज पूछता है मुझसे कि मेरी नानी कहाँ है मेरे डैड कहाँ है खुशी तुम समझ क्यों नहीं रही हो तुम उसे झूठी उम्मीद क्यों दे रही हो क्यों नारे लगा रही हो उसके कि उसके डैड वापस आ जाएंगे तो मैं और क्या करूँ मॉम सच बोल के उस मासूम का दिल तोड़ दूँ नो आई एम नेवर गोना डू दैट यू नो व्हाट खुशी मैं तुम्हें अपनी ताकत बनाना चाहती हूँ तुम मेरी ताकत हो लेकिन इस बच्चे की वजह से मेरी कमजोरी बनती जा रही मैं तुम्हारी माँ हूँ और वो और मैं दिलजीत की माँ हूँ और अगर आप मुझसे प्यार करती हैं तो वही प्यार आपको दिलजीत को भी देना होगा वो बच्चा इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था खुशी से ऐसे कड़वे बोल क्यों बोलती हूँ कि तकलीफ होती है मुझे दिल रोता है मेरा अपनी बच्ची को देख के जब भी मैं उस बच्चे को देखती हूँ तो उस लड़के का ख्याल आता है जिसकी वजह से मेरी बेटी की लाइफ खराब हुई है बीबी बात को समझो खुशी हमारी बेटी है और किसी और लड़के का गुस्सा हम हमारी बेटी और उसके बेटे पे नहीं निकाल सकते चाहे कुछ भी हो जाए मैं खुशी को यहाँ बुलाऊंगी बाय हुक और बाय क्रूक कुछ तो करना होगा मुझे
है, सब चुप क्यों? बस एक ही बीज बचा। एक और अरदास करने दो प्लीज। शहर पूरी कोशिश कर रही है गुरुजी, लेकिन क्या वो पर्पल दाने ला सकेगी? अगर मेहनत की जाए कर्म ज्ञान गुरु तो खजाना मिलना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है उसे संभालना, उसकी हिफाजत करना। अब करे, अब तू जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। सर, अब तो गुरु जी ने वही कर लिया जो तुमने कह रहा था। ये तो नहीं पता राज, लेकिन इतना जरूर पता है कि गुरु जी अब हमारी मदद करेंगे। आठों दाने मिल गए हमें गुरु जी। अगर ये दाने नहीं मिले तो गुरुजी राज की मदद नहीं करेंगे। उसको एलर्जिक अटैक आया है, हमने एम्बुलेंस को फोन किया था लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। आप मेरी होटल स्टाफ से बात करवाइए ना, कोई डॉक्टर, किसी डॉक्टर को बुला लेते। इस वक्त कोई डॉक्टर भी फोन नहीं उठा रहा है। मिताली की तबीयत बहुत खराब है शहर, हमें डर लग रहा है उसे कुछ हो ना जाए। डोंट वरी देविका, मैं कुछ करती हूँ। सारे दाने गुरुजी के पास लेके जाने दे ताकि गुरुजी मेरी मदद करें, राज की आंखों की रोशनी वापस ले आए। लेकिन अभी मिताली की जान बचानी होगी पहले। जब तक मैं वापस आऊं आप प्लीज मेरे दानों का ख्याल रखना प्लीज।